गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन सम। इसमें बेटा क्या करना है, आपको डिवाइड करके दिखाना है, ठीक है। एक तो टेबल सभी को लर्न होनी चाहिए, 20 तक टेबल बेटा डेली रिवाइज किया करो। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 333 को 3 से डिवाइड करना है बेटा, ठीक है। 3 1 3 आपने नेक्स्ट नंबर लिखा, 3 1 3 आपने नेक्स्ट नंबर लिखा, 3 1 3 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बी पार्ट है 369 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसका फर्स्ट डिजिट देखा, इसका फर्स्ट 3 1 3 जीरो बचा हमारे पास, आगे नेक्स्ट नंबर यहाँ लिख दिया। 3 2 6 यहाँ जीरो बचा, आगे वाला नंबर लिखा, 3 3 9, ठीक है। जब आप टेबल बोलेंगे या तो उस नंबर के बराबर आनी चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए, उस नंबर से बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है 402 को बेटा 2 से डिवाइड करना है, 2 2 4 यहां आपने जीरो लिखा। ये ध्यान रखना है, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो जीरो ही क्वेश्चन आएगा। तो आपने नंबर यहां से लिख लिया, ये इससे छोटा है, डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप क्वेश्चन में जीरो लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आप नीचे लिखेंगे, 2 1 2। उसके बाद डी पार्ट है 482 को बेटा 2 से डिवाइड करना है, 2 2 4 जीरो बचा। उसके बाद हमने 8 लिखा, 2 4 8 यहां भी जीरो बचा, इसमें से इसको माइनस करना होता है बेटा। आगे 2 लिखा, 2 1 2। ऐसे क्वेश्चन बेटा आप सेकंड में कर चुके हो, बिल्कुल ही सिंपल डिवाइड है इसमें। उसके बाद है 440 को 2 से डिवाइड करना है, 2 2 4। उसके बाद नेक्स्ट 4 लिखा हमने यहाँ पे, 2 2 4 जीरो बचा। आगे ये ध्यान रखना है, यहां से हमने यहां जीरो लिखी है तो ये 2 से छोटी है जीरो, ये डिवाइड नहीं होगी, तो यहां क्वोशेंट में जीरो लिखना है। ये मिस्टेक नहीं करनी है बेटा आपको। जब आपने यहां डिविडेंट में से नंबर लिख लिया है नीचे, यदि वो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो क्वोशेंट में आप वहां जीरो लिखेंगे। उसके बाद एफ पार्ट है 339 डिवाइडेड बाई 3 3 1 3 जीरो बचा, यहां से 3 लिखा, 3 1 3 जीरो बबचा, यहां से आपने 9 लिखा, 3 3 9। अब यहां देखिए 3 से डिवाइड करना है 600 को, 3 2 6 पहली जीरो आपने यहां लिखी, डिवाइड नहीं हुई, तो यहां क्वोशेंट में जीरो लिखा। फिर उसके बाद हमने सेकंड जीरो यहां नीचे लिखी डिवाइड करने के लिए, तो 3 फिर ये जीरो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 से छोटा है, और वैसे जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो बेटा जीरो ही आता है क्वोशेंट, तो यहां जीरो आएगा। ये ध्यान रखना, यहां यदि आपने जीरो नहीं लिखी तो ये डिवाइड जो है वो रोंग है फिर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 404 को बेटा 2 से डिवाइड करना है, 2 2 4 आपने जीरो लिखा, जीरो यहां लिखा, जीरो डिवाइड नहीं होगा तो क्वोशेंट में आप जीरो लिखेंगे। फिर उसके बाद आप 4 लिखेंगे, 2 2 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद आई पार्ट देखिए बेटा 3639, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। डिजिट ज्यादा होने से आपको घबराना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जैसे आपने सिंपल किया है वैसे ही है ये भी। पहले 3 को डिवाइड करोगे आप, 3 1 3, फिर आप 6 को डिवाइड करेंगे, 3 2 6, फिर उसके बाद आपने 3 लिखा यहाँ पे, 3 1 3 और 3 3 9। उसके बाद जे पार्ट है 8264, तो वही है बेटा 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6 और 2 2 4। उसके बाद के पार्ट है 4084 को 4 से डिवाइड करना है, 4 1 4, जीरो आपने यहां लिखा, डिवाइड नहीं हुआ, तो क्वोशेंट में आपने क्या लिख दी, जीरो लिख दी। उसके बाद आपने 8 लिखा, 4 2 8 और 4 1 4। एल पार्ट है 3006 को 6 से, अब इसमें देखोगे बेटा यहां 6 है और यहां 3 है, एक अकेला 3 छोटा है इससे, तो आप 2 डिजिट देखेंगे फिर उसके, ठीक है। यदि आपने स्टार्टिंग में देखा अब तक के क्वेश्चन किए थे उसमें ये पहला डिजिट डिवाइड हो रहा था, लेकिन अब आपने देखा कि 3 छोटा है और 6 बड़ा है, तो छोटे नंबर को आप बड़े से डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप 2 डिजिट देखेंगे इसके, 6 5 30, ठीक है। 30 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे जीरो आएगा बेटा, आगे वाला नंबर क्या लिखा आपने यहां, जीरो लिखा। जीरो 6 से छोटा है बेटा, डिवाइड नहीं होगा, तो क्वोशेंट में आप जीरो लिख देंगे। उसके बाद फिर आप यहां 6 लिखेंगे, 6 1 6, ठीक है। एम पार्ट है वो भी बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ठीक है। एन पार्ट है 4000 को 2 से डिवाइड करना है, 2 2 4, बाकी तीनों जीरो है बेटा,
जब आप लिखोगे तो क्वेश्चन में भी 3 जीरो लग जाएंगी। बस इसमें यही ध्यान रखना है, यदि नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, आपने डिवाइड करने के लिए नीचे लिख लिया, तो आप क्वेश्चन में 0 लगा देंगे। बाकी इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सोल्व करके देखेंगे इनको, एक दो बार रिवाइज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बेटा टेबल डेली लर्न करनी है आपको, टेबल सभी बच्चों को लर्न होनी चाहिए। थैंक यू।